तो मैंने देखा है जब भी आप कहीं जाती हैं तो आपके साथ आपकी दोस्तें होती थी। आई बिलीव आप टर्की भी गई तो वो भी थी, दुबई में भी वो वहाँ पर भी साथ थी आपकी बेस्ट फ्रेंड्स जाओ। आई बिलीव आपकी बहुत ही पुरानी थी राइट? या पुरानी मेरी फ्रेंड्स थी, जापान का उनको वीज़ा ही नहीं मिला। और जापान का वीज़ा नहीं मिला? वीज़ा ही नहीं मिला, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि वो, लेकिन वो उनको टर्की का वीज़ा मिला था, फिर वो वहाँ ज़्यादा देर में। आपको बताऊँ जापान में भी मैं एक बहुत बड़ी गाड़ियों की कंपनी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट करके आई हूँ। ओके नाइस, कौन नाम क्या है उसका? वो भी एक कोई पॉलिटिकल ही है, उनका नेम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, सब उनको जानते हैं बहुत से, लेकिन उनकी कंपनीज के लिए मैं पैनल पे काम करती हूँ। व्हाई वुडंट यू, मतलब अगर आप काम कर रही हो दुनिया को बताओ, क्यों छुपा रही हो? सबको पता ही होता है, मतलब कहीं भी वो कुछ करती हूँ। लेकिन आपने कहा किस कंपनी है, आपने बोला कि किन उनके लिए, तो मैंने कहा उन बंदे का मैं नाम नहीं लेना चाहती। अरे बंदे के बारे में थोड़ी हम बात कर रहे हैं, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। वो बंदे भी नून लीग के हैं, और वो भी नून लीग के, या मलक नूर साहब उनका नाम है, नूर रहमान साहब, और ये वो बंदे हैं जिन्होंने शेख रशीद का गुरबान पकड़ा था, गिरवान पकड़ के कहा था कि मेरी गाड़ी के पैसे निकालो, और बहुत मीडिया पे ये पॉपुलर हुआ था, हाईलाइट हुआ था, मीडिया को पता है। ओके, तो ये दोस्ती कैसे बनी? दैट्स मेरे फैमिली मैटर्स हैं उनके साथ, मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हूँ। ओके, तो वो पहली दफ़ा उन्होंने हरीन को कहाँ देखा और कैसी दोस्ती बनी? मेरे मियाँ के तवसत। ओके, मेरे मियाँ जो हैं वो खुद भी, मतलब उनके मामू वगैरह चाचू वगैरह कुछ हैं जो नून लीग के साथ बहुत वो हैं, तो उनके मतलब मेरा, उन्होंने कहे कि आए और यहाँ पे हमारी। चलो दैट्स ग्रेट। तो ये तो बताओ कौन सी गाड़ी, मतलब कैसी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है? गाड़ी है या जिसके आप ब्रांड एम्बेसडर और यू नो उसका एक निशान, और जो बाहर जापान की इम्पोर्टेड गाड़ी। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो मुझे एक बात बताओ, शादी से पहले भी यू वर ट्रैवलिंग है ना, बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल किया, पाकिस्तान में क्यों नहीं रुकी कि ड्रामा करूँ? एक होता है कि मैं यहाँ लोग बैठ कर कमर्शल्स करते हैं, कुछ करते हैं, आप हमेशा बाहर का रुख क्यों कर लेती हैं? अभी मैं टर्की में थी तो हम टीवी के शरियार, आई थिंक उनका नाम है डायरेक्टर, जो हम प्रोड्यूसर हैं जानते होंगे, शरियार आई थिंक नाम है, शरियार नकवी इस तरह का कोई नाम है। ओके, हम टीवी के साथ मिल के काम करते हैं, उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया था कि आप आके हमारे साथ प्रोजेक्ट करेंगे वो, लेकिन मैंने कहा ना मुझे इतना इश्तियाक नहीं था। अभी रिसेंटली मैं पिछले दफ़ा जब कुछ दिनों के लिए आई थी तो कामरान सदीकी ने इस्लामाबाद में मुझे कमर्शियल के लिए बड़ा फोर्स किया था, आई थिंक किसी परफ्यूम्स का कमर्शियल था या कोई, मुझे बड़ा फोर्स किया था लेकिन मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? बस मेरा दिल नहीं करता। आपका हस्बैंड बोलते हैं कि हाउसवाइफ रहो? नहीं, मुझे नो, या हस्बैंड बोलते हैं कि काम करो? नहीं, मेरे ऊपर किसी की तरफ रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मैं अपनी मर्जी की मालूम हूँ, करूँ या ना करूँ वो मेरी लाइफ की डिसीजन है, तो कभी भी मेरे ऊपर कोई भी मुसल्लत नहीं हुआ, तो ना मैं होने देती हूँ, लेकिन कभी भी हस्बैंड की तरफ से तो कोई भी नहीं है कि मैं करूँ तो मेरी अपनी खुशी है, ना करूँ तो मेरा अपना वो है, उनको मेरे काम या मेरे ना काम से कोई सरकार नहीं। ओके, चले, सो यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, यू वेंट टू जापान, मोरक्को, और कहाँ कहाँ गए हैं? बहुत सारे कंट्रीज, टर्की, बहुत सारी जगह पर आप गए हैं। मोरक्को में आपको एक अवार्ड भी मिला था वहाँ, राइट? आई एम श्योर यू गॉट समथिंग इन मोरक्को। मुझे टर्की में मिला था, मोरक्को में वेकेशंस के लिए गई। ओके ओके ओके, सो ये आप हनीमून कर रहे हो या सोच रहे हो कि यार अब सेटल डाउन होना है, कहीं सेटल डाउन होना है, फैमिली नहीं, बनानी है? मतलब घूमना फिरना तो मेरा शुरू से शौक है, तो जब भी कभी कहीं टाइम लगता है या कहीं पे ज़रा सा फेटअप हो जाते हैं कुछ, तो हम कहते हैं चलो चलो घूम फिर के आ जाते हैं। और ये जो मोरक्को का टूर था ये हमें उन्होंने दिया था, क्या कहते हैं, जो मोरक्को के यहाँ पे कराची के, या इश्तियाक, उन्होंने हमसे मुलाकात की थी जब हम आए थे, उन्होंने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया था, उन्होंने अपने मैगजीन वगैरह कुछ दिए थे और हमें कहा था कि आप मोरक्को जाके देख के आएँ और वहाँ पे भी लोग वगैरह बनाएं, और मोरक्को जाना जो है तो आपका हमारे लिए वो होगा। तो मेरे ख्याल में इश्तियाक बहुत नाइस पर्सन है, और उन्होंने मुझे किसी उसका भी इन्वाइट किया था कि आप हमारे साथ किसी उस पर प्लेटफॉर्म पर काम करें, कोई उनकी वो है फ्लाव बेबूद के लिए कोई एक वो मुनज़म तंजीम चला रहे हैं, कोई इदारा है उनका, उनका मेक अ विश, या तो उन्होंने उसमें बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हम आप अगर हमारे साथ मिलके काम करोगे तो हमारे लिए बायस फ़ख्र होगा। चलो अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी नाइस। अभी फिलहाल अब ये भी मैं नहीं कह सकती कि इश्तियाक बगैर बैग बहुत सारे टिकटॉकर्स को चुन सकते थे, मुझे क्यों चुना या मुझे क्यों भेजा, कि मैं इतना भी नहीं कहती कि मेरे उसमें इश्तियाक बैग, मैं आपकी बात बताऊँ, एक बहुत बड़ा नाम है इश्तियाक बैग, और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और उनके काम को मतलब जितना अप्रिशिएट किया जाए काम है, और उनका उनकी एक वर्थ है, मतलब
क्या उनको मैं डिस्क्राइब करूं? He is a sweet person. एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।